हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक फेक स्टार बनाऊंगी, तो जिसमें मैं जो जितना वाइट है ये आपको स्किन को उतना ही वाइटन और ब्राइटन करता है, और ये रिजल्ट्स इसके गारंटीड है। और आपकी इसको अगर आप रेगुलरली अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन हमेशा यंग रहेगी, उसमें कोई भी रिंकल्स नहीं होंगे, और आपके स्किन में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन बोटॉक्स के इफेक्ट के जैसे वो हमेशा प्लम्प एंड मॉइस्चराइज रहेगी। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें रॉ मिल्क। दोस्तों, रॉ मिल्क में स्किन को नरिश करने वाली प्रॉपर्टीज होती है। ये लैक्टिक एसिड में रिच होता है और बहुत ही अच्छे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स में रिच होता है, जो हमारे स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करके उसको न्यू स्किन देता है, और उसके साथ ही साथ उस स्किन को हाइड्रेट करता है और मॉइस्चराइज करता है, और आपके कोई भी डार्क स्पॉट्स है या आपके मार्क्स है पिंपल्स के, उसको भी मिटा के ये उसको बहुत ही फ्लॉलेस बनाता है। और दोस्तों, सेकेंड इंग्रेडिएंट चाहिए हमें यहाँ पे राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा। दोस्तों, चावल में अमीनो एसिड्स होते हैं और स्किन को लाइटन करने वाले प्रॉपर्टीज होते हैं, और ये एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर का काम करता है यहाँ पे, क्योंकि इसके जो ग्रेन्यूल्स है वो बहुत ही माइल्ड होते हैं, और आप इसको अपने फेस में इस्तेमाल करें तो बहुत ही जेंटली इस्तेमाल करें, क्योंकि फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो दोस्तों, आप इसको जरूर ट्राई करें और आपके स्किन केयर में इसको ऐड करें, क्योंकि चावल से आपके स्किन की जो यूथ है उसको मेंटेन रखते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑफ चावल का आटा लिया है, राइस फ्लावर। अब मैं यहाँ पे इसके साथ मिल्क ऐड करने वाली हूँ। आपको एक स्मूथ पेस्ट जैसा बनाना है, और दोस्तों इस पेस्ट को आप चाहे तो बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं, ये 7 डेज तक अच्छा रहेगा, फ्रिज में आप स्टोर करें इसे। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसको इसके साथ मिक्स कर लिया है, और ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट बन गया है। तो दोस्तों, अब जब ये पेस्ट बन जाए तो अब आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें, कोई भी मेकअप या डर्ट नहीं होना चाहिए उसमें, और उसके बाद इस पैक को आप लगा लें। इसको अच्छे से लगाएं ताकि, और जब आप इसको धोएं तब आप इसको अच्छे से ऐसे हल्के हाथों से स्क्रब करें, उसके बाद निकाल दें इसे, और इसको रेगुलरली फॉलो करें, हफ्ते में 2 या 3 बार, तो आपकी स्किन स्पेशली इस विंटर में बहुत ही मॉइस्चराइज रहेगी और ग्लो भी रहेगा उसमें। तो दोस्तों, इसको 20 मिनट बाद आप नॉर्मल पानी से धो लें। तो देखिए दोस्तों, 20 मिनट्स हो गए थे, अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब दोस्तों, आपको ऐसे इसको स्क्रब करना है हल्के तरीके से, और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्योंकि आपके स्किन को बहुत ही सॉफ्ट बनाता है, तो इजीली आपके जो भी डेड सेल्स है, ये देखिए दोस्तों, इसके साथ आपके सारे डेड सेल्स निकल जाते हैं। अगर आपके स्किन में ब्लैक हेड्स के भी प्रॉब्लम है, सन टैन है, या कोई भी आपको स्किन के प्रॉब्लम्स है, तो ये उसको बहुत आसानी से मिटाता है, और ये बहुत अच्छे स्क्रब का काम करता है। और देखिए दोस्तों, कितनी स्किन क्लियर होती जा रही है। अगर आप इसको हफ्ते में 2 या 3 बार अप्लाई करेंगे तो हमारे स्किन में जो भी डर्ट पॉल्यूशन या हमारे स्किन में जो भी लेयर्स बन जाते हैं वो हट जाते हैं, और आपकी स्किन हमेशा यंग रहती है। तो दोस्तों, अब आप इसको अब आप अपने फेस को अच्छे से पानी से धो लें। मैंने हैंड्स को अपने वॉश कर लिया है, मैंने पानी से धो लिया है। अब देख सकते हैं कितनी फ्रेश और कितनी ग्लोइंग इसमें लग रही है, और बहुत ही ब्राइट और मॉइस्चराइज्ड हो गई है। तो दोस्तों, आप जरूर इस पैक को ट्राई करें, मैं आपको बता रही हूँ, इसको अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और ये बहुत सिंपल है, अंडर 2 मिनट्स आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये आपको जो बेनिफिट्स देता है वो आपकी स्किन को हमेशा यंग रखती है। आपको कोई महंगे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है अगर आप इसको घर पे रेगुलरली फॉलो करें तो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।